पंजाब नेशनल बैंक का तुगलकी फरमान, बकाया दरों से ऋण वसूली के लिए संपत्ति कुर्की के आदेश। कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की अवधि के दौरान बकाया हुए ऋण की किस्तों की वसूली में भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी गाइडलाइन के विपरीत जाकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बैंक द्वारा की जा रही नीलामी की कार्रवाई को रोकने के लिए मेहंदीपुर बालाजी निवासी राजेश कुमार जागा ने कलेक्टर से गुहार लगाई तथा ज्ञापन दिया। रिजर्व बैंक के द्वारा लॉकडाउन में बैंक लोन की किस्तें 6 माह तक स्थगित करने की घोषणा आम लोगों पर भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसका उदाहरण दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी निवासी राजेश कुमार जागा को भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, जिसके चलते अब उसके द्वारा लिया गया बैंक लोन अब उसके गले की फांस बन गया। पंजाब नेशनल बैंक ने भी अब भारत सरकार और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को दरकिनार करके गैर कानूनी तरीके से उसके घर को नीलाम करने की पूरी तैयारी कर ली है तथा जगह जगह नीलामी के पोस्टर लगा दिए हैं, जिससे राजेश कुमार जागा व उसका परिवार सदमे में है, जिसके चलते बचाव में अब राजेश का पूरे परिवार ने दौसा जिला कलेक्टर से मिलकर नीलामी को रोकने के लिए गुहार लगाई तथा ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि लॉकडाउन के पहले वे नियमित बैंक ऋण की किस्तें देता आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसका व्यापार बंद है। इस समय स्थिति यह है कि उसके बच्चों का पालन पोषण ही मुश्किल हो रहा है, जबकि बैंक ऋण वसूली के लिए घर को नीलाम करने पर आमादा है तथा बैंक रिजर्व बैंक व भारत सरकार की गाइडलाइन पालन नहीं करके अपनी मर्जी से उक्त नीलामी की प्रक्रिया अपनाते हुए बैंक द्वारा उनके मकान को नीलाम करने की कार्यवाही की जा रही है, जो न्याय संगत नहीं है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नीलामी को रोकने की मांग है। ज्ञापन में बताया कि प्रार्थी का कोई गलत इरादा नहीं है, अब जब रोजगार पूरी तरह चौपट हो गया जिसके चलते उसके पास अपने परिवार का भरण पोषण भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में प्रार्थी का कहना है कि थोड़ा समय और मिलने पर लोन की किस्तें चुका देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि गैर तरीके से विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसके मकान को नीलाम किया जा रहा है, जिससे वह एवं उसका परिवार सदमे में है।